subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जब जिस्म की इतनी अहमियत है, मैं जिस्म की तरबियत के लिए अगर दिल का मरीज हूँ, शुगर का मरीज हूँ, मौलाना किस डॉक्टर को दिखाऊँ जो सबसे प्रोफेशनल उसके पास, मैं जिस्म के लिए इवन 1% रिस्क नहीं लेता। इतनी मोहब्बत है इस जिस्म से। अच्छा डॉक्टर हो, कहीं आँख का गलत ऑपरेशन ना कर दे, कहीं दिल का गलत ऑपरेशन ना कर दे, पैसा होगा बेस्ट हॉस्पिटल में जाऊँगा, और पैसा होगा फौरन चला जाऊँगा, क्योंकि जिस्म की कीमत को मैं जानता हूँ, मटीरियलिस्ट मेरा वजूद है। लेकिन जो रूह अल्लाह ने तुझे अता की, इतनी सस्ती कि मैंने हर एरे गैरे को अपना इमाम मान लिया, इसकी तरबियत के लिए मैं किसको चुन रहा हूं। तो मैंने कहा था, अगर आंख खराब हो जाए तो मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाऊं जो खुद अंधा हो, सर पे बाल नहीं और किसी बाल लगवाने के लिए ऐसे डॉक्टर के पास ले जाऊं जो खुद गंजा हो, कहोगे ये मेरे बाल क्या लगाएगा जिसने अपना इलाज नहीं किया। इतनी अकल तो है ना। तो रूह की बीमारी है बोस, रूह की बीमारी है कुफर, रूह की बीमारी है शर्क, रूह की बीमारी है बुतपरस्ती, रूह की बीमारी है शराब का पीना। तो ये बताओ, जब रूह का इलाज करना है तो तुम किसी ऐसे डॉक्टर के पास क्यों जाते हो जो खुद बुतपरस रहा हो? ऐसे डॉक्टर को तलाश करो जिसने जिंदगी में किसी बुत के सामने सर न झुका। दलील में देता हूं, इकरार तेरा वजूद करेगा, हर सहाबी के सामने रजी अल्लाह लगता, अली के सामने करम अल्लाह वजहू लगता। जब पूछा अली को करम अल्लाह का, सब के सर बुतों के सामने झुके थे, ये वाहिद सर है जिसने कभी बुतों के सर झुकाया। लॉजिक होगी, अपने बच्चे की किसी स्कूल में ट्यूशन करवानी है तो अच्छा टीचर, अच्छा स्कूल, और दीन का मामला किसी के हवाले करना हो तो उसमें तुझे परवाही नहीं, उसमें इल्म करना है। और फख्र इस बात पे करो कि अली से मशवरे लिए जाते थे। जब अली इतने ही आलिम थे तो डायरेक्ट अली को बिठा लेते। हाँ, अकल की बात है, अगर इंसान अपने फैसले अकल से करता तो कभी इंसान गुमराही के दरवाजे पे न जाता। तो प्योर इल्म, प्योर इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं इंफॉर्मेशन किससे लूं? अभी लास्ट स्टेज है, समझ गया कि मेरा ब्रेन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इसमें मुझे प्योर इंफॉर्मेशन डालनी है। प्योर इंफॉर्मेशन किससे लूं? अगर मुझसे लोगे, मुझ में भी खता का इम्कान है। दुनिया का बेहतरीन साइंसदान भी हो, आप कहोगे नहीं, उसमें खता का इम्कान है। प्योर इंफॉर्मेशन जिससे मेरे जिस्म और मेरे रूह को फायदा हो, वो है इल्म वही परवरदिगार आज़ा, खुदावंदी इल्म। मसलन कुरान, प्योर इंफॉर्मेशन। कोई इंसान नहीं कह सकता कि कुरान में खता का इम्कान है। नबी की हदीस प्योर इंफॉर्मेशन है। कोई नहीं कह सकता कि नबी के इल्म में खता और वहम का इम्कान है। इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, क्योंकि उसका इल्म भी वही खुदा से मुत्तसिल है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब मुझे अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो किससे लेनी है? क्योंकि वास्ते फैज़े इलाही अगर कोई जमीन पर है तो वजूद मुस्तफा है, वजूद रसूल है, जो मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जिसमें जर्रा बराबर शक और खता का इम्कान नहीं है, जो इलाही इंफॉर्मेशन का मादन है, जो इलाही डेटा का सबसे बड़ा डेटाबेस है, जिसके वजूद से मैं कोई चीज डाउनलोड कर सकता हूं और अपने कंप्यूटर में अपलोड कर सकता हूं, यानी सारे सॉफ्टवेयर वहां से उतारूं और अपने ब्रेन में इंस्टॉल करता जाऊं। तो प्योर इल्म अगर मुझे कहीं से मिल सकता है, वो जात मुस्तफा से, उसी की जात है जहां से इल्म मिल सकता है। लेकिन एक लॉजिकल बात है, नबी कितने साल रहेंगे? 60 ईयर्स 70 ईयर्स 80 ईयर्स, कितने भी साल इस दुनिया में रहे, लेकिन नबी के जाने के बाद वो इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? क्योंकि जितने भी बाकियात थे नबी के बाद, वो असहाब की सूरत में हो या अहले बैत की सूरत में हो, मुसलमानों से पूछे थे, कहते नहीं, खता का इम्कान है, उनका इल्म प्योर नहीं है, उनके इल्म में खता हो सकती है। तो इतना तो मुसलमान मानते हैं, एक ही वजूद है जिसका इल्म प्योर है,
जिसके पास सारा डेटा है। तो आइए रिसालत की खिदमत में जाते हैं, या रसूल अल्लाह आपके जाने के बाद अगर हम ये इंफॉर्मेशन लें और अपने ब्रेन में डालें तो किससे लें? तो नबी ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबा। सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सारा डेटा मेरे पास है, कायनात की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इस वजूद को कैसे चलना है, पनपना है, बढ़ना है, सब कुछ मेरे पास है। वाली बाबा तमाम तरह सुन्नत मानते हैं, कोई मुसलमान का एक फिरका भी नहीं जो कहे कि हदीस गलत है, लेकिन वो मौला अली का जुमला जो जाने पर उस पर अमल न करे उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। अकलमंदी की निशानी है कि नबी जब कह कर गए दरवाजा अली है तो तुम किसी और दरवाजे पे क्यों जा रहे हो? ये सरीहन मुखालिफत है नबी, ये खिलाफ अकल है जब बता के जा रहे हैं तुझे फेक इंफॉर्मेशन में कहीं उधर उधर से। हाँ कोई और मैकेनिक तेरी मोबाइल को बना तो देगा लेकिन कंपनी फिर गारंटी एक्सपायर हो जाती है। तुम अली के अलावा किसी और दर पे जाओगे, इल्म तो मिल जाएगा पर जन्नत की गारंटी फिर एक्सपायर हो जाती है। यही वो दरवाजा है जहां से इल्म मिलेगा। मेरी गरज नहीं कौन दीवार बना कौन छत बना, लेकिन दर तो एक ही है जिसका नाम अली है, और जो दर से जाता है वो शरीफ होता है, जो दीवारों से जाता है वो चोर होता है। तो इंसान अपने जहन में प्योर इंफॉर्मेशन डालो जो दर अली इब्ने अबी तालिब का दर है। और ताज्जुब है कि इंसान कुरान पढ़े, कभी फरमाया ना कि कुरान पढ़ते हैं लेकिन बाज लोगों पर कुरान लानत भेजता है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ रहा होता है सुम्मुन बुकमुन उमियुन, ये खुदा के ताने हैं, कहीं पे खुदा गाली भी देता है, कहीं पे किसी को जनीम बोलता है, कहीं पे किसी को हिमार बोलता है, ये गधे हैं। अल्लाह की गाली गाली नहीं होती, वो हकीकत होती है। क्योंकि खुदा तंज नहीं करता, जो कहता है वो होता है। कसम मुम्बुक मनोमियम, अंधे बहरे गूंगे, खुदा ये बोल तो रहा है पर तू इसे गूंगा क्यों कह रहा है? खुदा ये देख तो रहा है पर तू इसे अंधा क्यों कह रहा है? खुदा ये सुन तो रहा है पर तू इसे बहरा क्यों कह रहा है? कहा सुन रहा है पर वो नहीं सुन रहा जो मैं सुनाना चाहता हूं, देख तो रहा है पर वो नहीं देख रहा जो मैं दिखाना चाहता हूं, बोल तो रहा है पर वो नहीं बोल रहा जो मैं बुलवाना चाहता हूं। इसका मतलब कुरान पढ़ रहा लेकिन इस कुरान पे अमल नहीं कर रहा। बिल्कुल मैंने मिसाल दी थी इस तरह, एक डॉक्टर आपको कहे सिगरेट ना पिए नुकसान दे, और रात को जाओ देखो खुद ही डॉक्टर सिगरेट पी रहा है। तो मौला अली से बेअक्ल कहते हैं, जाहिल नहीं कहते, इल्म रखता है पर अपने इल्म पे अमल नहीं कर रहा, ये बेअक्ल है। जिसे पता हो कि ये चीज नुकसानदेह पर कर रहा हूं, अली की निगाह में वो बेअक्ल इंसान है। ऐसी बेअक्लियां हम बहुत करते हैं जिससे खतरनाक तरीन हदीस रसूल खुदा की, यानी कुछ ऐसी चीज है ना जिसमें रिवर्स का इम्कान होता है। बस इंसान ने गुनाह किए, जनाब हुर ने खताएं की होंगी, लेकिन जब रिवर्स में इमाम हुसैन के पास आए तो जन्नती बन गया। हाँ लेकिन ये ब्रेन का जो मामला है इसमें खुदा बड़ा हसास है। मेरे पांचवे इमाम इमाम मोहम्मद बाकर फरमा, इंसान जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है यानी ऐसा काम जो अक्ल के खिलाफ हो, वो हर काम जो करता जाता है उसके हर काम के बदले में खुदा उसकी अक्ल को कम करता जाता है, कम करता जाता है। इसमें कोई रिवर्स नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन समझ जाए और कहे अब मैं अच्छे काम करूंगा, ना जितनी अक्ल जायल हो चुकी है वो जायल हो गई, अब ये दर्जात औलिया पे नहीं जा सकता। तभी फरमा इसका ख्याल करो, ऐसे काम न करो जो खिलाफ अक्ल हो, वो तुम्हारे वजूद को तबाह हो बर्बाद कर देंगे।